हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है सोसाइटल इम्पैक्ट्स की। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं वर्ड हो सकता है यूज करूँ सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, बात सेम ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एज पर लेटेस्ट सिलेबस ही बना रखी है हमने वीडियो, तो उम्मीद रखूंगा आपको पहले भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई और अभी भी नहीं होगी। और साथ साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया है कि टर्म टू की क्लासेस स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, उसके लिए आपको अगर प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप फ्री की क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अपना नंबर, किस जगह से आप बोल रहे हो, किस स्टेट से और किस सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हो, वो हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको अपनी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और बहुत जल्दी लाइव सेशंस स्टार्ट होंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आज तक मैंने कोई लाइव सेशन नहीं करा, तो बहुत जल्दी हम लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप लाइव सेशन भी स्टार्ट करो, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाती है। तो यही एक रीज़न है कि हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ क्लासेस जूम पर होगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होगी। तो यूट्यूब पे तो आपको पता ही चल ही जाएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, लेकिन जूम पे जो क्लास होगी कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, और जिससे कि जब लाइव सेशन हम स्टार्ट करें तो आपको पता चल जाए और आप पढ़ सको, उसका फायदा ले सको। और साथ साथ में अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो मेरी सब स्टूडेंट से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लो, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम जो लास्ट टॉपिक हमने करा था उसके आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, जनरली हम लोग सुनते ही है। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। प्राइवेसी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब जब हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, तो हम सारी बात कर रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो यहां पे प्रोटेक्शन किस चीज की करनी है? प्रोटेक्शन करनी है इंफॉर्मेशन की। प्रोटेक्शन किसकी करेंगे हम? इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पर आप अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हो, अपने घर का एड्रेस एंटर करते हो, कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी आपने अपने कार्ड की डिटेल एंटर करी है वो किसी दूसरे ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए जो उसका मिसयूज कर ले। तो प्राइवेसी कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन को। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कहां दी जाती है? जब हम ऑनलाइन देते हैं शॉपिंग करते समय या फिर अपना अकाउंट क्रिएट करते समय। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहां पर आपका मोबाइल नंबर्स भी जनरली मांगा जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल नंबर कहीं और सर्कुलेट कर दिया जाए, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अब टर्म समझते हैं प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है वो समझते हैं। इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट करना पर्सनल इंफॉर्मेशन को, दैट इज गिवन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन दी जाती है एट द टाइम ऑफ डूइंग सम ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन करने या फिर कोई एक्टिविटी करना ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे आपने कोई चीज खरीदी, मोबाइल खरीदा तो आपने अपने कार्ड डिटेल्स डाले, या फिर कोई और एक्टिविटी करी। कोई और एक्टिविटी का मतलब जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तो वहां पर भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली, तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेसी। वो किसका पार्ट है? प्राइवेसी का पार्ट है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सब चीज मेंशन है कि आप कैसे हमारे नोट्स ले सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, तो सारी डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन पे सब चीजें मेंशन कर रखी है कैसे आपको नोट्स मिल सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेज टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी, मतलब ऐसे क्या तरीके होने चाहिए जो यूजर की प्राइवेसी को सेफगार्ड करें, मतलब बचा के रखें। आप ध्यान देना, जब भी आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो मर्चेंट या सेलर, मर्चेंट मतलब जो बेच रहा है या सेलर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो क्लियरली मेंशन करेगा कि आपका डेटा कैसे यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पर आपने अपने कार्ड डिटेल्स डाली, और मान लो बेचने वाला मर्चेंट मैं हूं, तो मेरे पास आपकी कार्ड डिटेल्स नहीं आएगी, वो अमेजोन के पास ही रहेगी।
मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, जहां पे मैं उस चीज को मैं डिलीवर करना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्चेंट और सेलर हमेशा स्पेसिफाई करेगा कि जो डेटा आप डाल रहे हो वो कैसे यूज किया जाएगा। और ये कहां पर मेंशन होता है? ये मेंशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट की। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना जरूरी होता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंशन होता है कि जो डेटा है आपका कैसे यूज किया जाएगा। तो समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेलर और मर्चेंट मस्ट या क्लियरली मेंशन हाउ द डेटा विल बी यूज्ड, कैसे डेटा यूज किया जाएगा। और इट इज मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वेबसाइट। टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज होता है, उस पर सब मेंशन किया जाता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? अब जैसे टर्म्स एंड कंडीशन पे सब चीज मेंशन है, और आपने क्या करा, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन रीड नहीं करी। तो कई बार यूजर बोलते हैं कि हमें क्या पता कि टर्म्स एंड कंडीशंस कहां पर लिखी हुई है। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन जरूर आता है, जिस जो चेकबॉक्स होता है जिसके आगे टिक लगाना होता है आपको, उसमें सब मेंशन होता है कि आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली है। जैसे अगर आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाओगे या जीमेल पे अकाउंट बनाओगे तो उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आती है। जब तक आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलर और मर्चेंट, जो भी बेचने वाला या मर्चेंट जो है, वो मस्ट एंश्योर करेगा यूजर ने सारी इंफॉर्मेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करा है प्रॉपरली। तो सेलर और मर्चेंट मस्ट एंश्योर दैट द यूजर हैज रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वेबसाइट बिफोर मेकिंग एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन। कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करने से पहले वो इंश्योर करेगा कि यूजर ने उसको रीड करा है। और वो इंश्योर करने का तरीका क्या है कि जो भी यूजर होगा वो उसके आगे टिक लगाएगा, तो दैट इज वो एग्री करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को। ये हो गए दो पॉइंट्स। अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी परचेजेस करते हो और वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देते हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि वो वेबसाइट सिक्योर है। सिक्योर कैसे होगी? जो भी वेबसाइट होती है, जो सिक्योर वेबसाइट्स होती है, उसके अंदर जो यूआरएल होता है, जैसे www.facebook.com लिखा या www.amazon.com लिखा, जहां पर भी आप वेबसाइट का नाम लिखते हो उससे पहले लिखा आता है ऑटोमेटिकली https। ध्यान देना एस लिखा हुआ है, एस का मतलब सिक्योर है साइट। HTTP तो सब वेबसाइट्स पे होता है, और जहां पर HTTPS हो गया तो दैट इज सिक्योर साइट है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने देखना है Amazon की साइट ओपन करना और वहां पर देखना क्या HTTPS आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो ये हो गया कि HTTPS होता है, दूसरा कुछ साइट्स पे HTTPS नहीं होता। जैसे अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे HTTPS नहीं होता, वहां पर एक पैडलॉक होता है, लॉक की टाइप होते हैं। अगर लॉक है तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेफगार्ड करना चाहते हैं यूजर के डेटा को, यूजर के प्राइवेसी को अगर हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो जो भी मर्चेंट या सेलर होगा वो अपनी वेबसाइट के अंदर सारे सिक्योर मेजर्स को इंप्लीमेंट जरूर करेगा। सिक्योर मेजर जैसे हो गए HTTPS समझाया, पैडलॉक समझाया। तो समझते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलर और मर्चेंट मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ यूजर्स डेटा बाय इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स लाइक HTTPS। और HTTPS नहीं है तो क्या होना चाहिए, पैड लॉक्स, या तो HTTPS होगा या फिर क्या होगा, पैड लॉक्स होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसके इसके ऊपर बेसिस पे आता ही आता है। ठीक है, राइट। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड एस ऑनलाइन फ्रॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है और आपको पता होना जरूरी है ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड का मतलब आपको समझ में आता है, फ्रॉड का मतलब किसी ने कोई गलत काम कर दिया। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट पे गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा, आपको वो ऑर्डर, आपको वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं और आपने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि पेटीएम, पेटीएम में लोगों ने क्या करा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, और जिसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए उसको पता ही नहीं कि उसके अकाउंट से ट्रांसफर हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एस ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, जनरल फ्रॉड का मतलब सिंपल है कि गलत चीज, गलत एक्टिविटी हो गई ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू गलत कोई एक्टिविटी हो गई, दैट कम्स अंडर ऑनलाइन फ्रॉड।
अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम, और इसके बाद इसके टाइप्स होते हैं वो टाइप्स देखेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज अ फ्रॉड कमिटेड ऑन द इंटरनेट, मतलब एक ऐसा फ्रॉड जो इंटरनेट पे हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम एज फॉलोस, अब कुछ कुछ मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट इज नॉन डिलीवर्ड गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऑर्डर दिया और आपके पास जो भी आपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया था वो आपके पास नहीं पहुंचा, दैट कम्स अंडर ऑनलाइन फ्रॉड। तो काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं, आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मान लो 100 रुपए का मिल रहा है और कुछ वेबसाइट्स ऐसी है वो 2 रुपए का दे रही है, तो जनरली क्या होता है, हमें लगता है यार 2 रुपए का मिल रहा है तो हम क्यों ना जहां पे 2 रुपए का मिल रहा है वहां से कर ले, और वो पेमेंट ऑनलाइन करनी होती है। तो आप खुद सोचो कि आपने 2 रुपए का प्रोडक्ट के लिए आपने 2 रुपए पे कर दिए, ऐसे 1 लाख कस्टमर या 10,000 कस्टमर ने भी पे कर दिया तो 20,000 रुपए का फ्रॉड हो गया ओवरऑल, या 1 लाख कस्टमर ने करा तो 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। अब 2 रुपए के लिए तो आप आगे बार बार कॉल नहीं करोगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, अगर आप कॉल भी करोगे तो उनका नंबर नहीं मिलता, या तो नंबर गिवन नहीं होता या मिलता ही नहीं है। तो फर्स्ट हो गया नॉन डिलीवर्ड गुड्स, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो हमेशा सिक्योर साइट से खरीदना। सेकेंड इज नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उन्होंने प्रोडक्ट डाल रखे होते हैं ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर रखी और उन्होंने प्रोडक्ट डाल रखे हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट 5,000 का है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 200 रुपए का डाल दिया, 1,000 रुपए का डाल दिया, अगर 100 बंदों ने भी कर लिया तो 1 लाख रुपए हो गए, तो वो 1 लाख रुपए लोगों के गए, प्रोडक्ट मिला नहीं 1 लाख रुपए गए, क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। थर्ड इज स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, और क्या होता है, थर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, जैसे कि आपने कार डिटेल्स डाली और हैकर्स ने उन डिटेल्स को हैक कर लिया, या आपने कोई एक ऐसी वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन करी जो सिक्योर ही नहीं थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योर होनी चाहिए, जिसके आगे HTTPS होता है, पैडलॉक होता है। अगर आप जिसकी जो भी वेबसाइट है जिसके आगे HTTPS नहीं है, पैडलॉक नहीं है, तो उसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेंगे। सपोज आपने कार्ड की डिटेल्स को डाला, उन्होंने चोरी कर लिया और फिर वो आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर लेंगे। लास्ट इज फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स। फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स क्या होता है, अब मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, आपने उसको परचेज करना है, आपने अपने कार्ड से तो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करी 100 रुपीज, लेकिन जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है वेबसाइट के पास, उसने क्या करा, उसको 100 की जगह 1,000 कर दिया, तो मतलब आपने पेमेंट कर दी, फ्रॉडुलेंट पेमेंट होगी, आपने 100 रुपए की करनी थी और वो 1,000 रुपीज की होगी और आपको पता भी नहीं चला, दैट इज फ्रॉडुलेंट पेमेंट। तो ये जो चार एक्टिविटीज हैं ये आती है किसके अंदर, ये चारों एक्टिविटीज आती है हमारी फ्रॉड के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स का क्या होता है। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ था, तो ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के साथ भी वो चीज हो जाए। तो मेरे साथ प्रॉपर फ्रॉड हो भी नहीं पाया था, क्यों, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मुझे नॉलेज थी। तो ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और उनके साथ ये इनमें से कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। अब जैसे क्या हो, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे, सपोज आपने गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदनी है, गाड़ी लेते एग्जाम्पल लेते हैं बाइक का, अगर आपने बाइक खरीदनी है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है आपने, तो आप क्या करोगे, जनरली लोग, काफी लोग तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वहां पे OLX पे प्रोडक्ट मिलता है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बिकते हैं। अगर मान लो एक बाइक है जो लेटेस्ट मॉडल है, आपके अकॉर्डिंग जो आपने मार्केट में रिसर्च करी है वो 40,000 की मिलनी चाहिए सेकेंड हैंड, अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो OLX पे वो 20,000 30,000 की दिखाएगा, तो आपको लगेगा यार मैं तो यहीं से ले लूं। तो जैसे ही आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे तो क्या होगा, डिटेल्स होती है वहां पर, आप कॉन्टैक्ट करोगे तो जिसके पास, जिसको आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसका फोन नंबर अवेलेबल होगा, तो वो आपको ये कहेगा कि हाँ हमारे पास ये बाइक है, ये मॉडल नंबर है, ये बाइक का नंबर है और ये इसका ऑनर है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, मैं आपको उसकी डिटेल्स भेज रहा हूं। तो वो बंदा क्या करेगा, आपको सारी डिटेल्स भेजेगा, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसपे आप चेक कर सकते हो किस बंदे के नाम की वो बाइक है या कोई भी गाड़ी जो भी आप खरीद रहे हो। अभी मैं एग्जांपल बाइक का ले रहा हूं, तो बाइक बता रहा हूं कि आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन में वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसपे आप चेक कर सकते हो क्या इसी बंदे की इसी बंदे की बाइक है या नहीं है, आपने देखा उसी बंदे की बाइक है, तो वो बंदा आपको थोड़ी देर बाद कॉल करके कहेगा कि आपने 3,000 रुपए या 4,000 रुपए कुछ अमाउंट आपको बोलेगा, ये आपको हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं, ये चार्जेस है कोरियर चार्जेस, हमारा बंदा आएगा वो आपको दिखाएगा बाइक दिखाएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप रख लेना, बाकी पेमेंट कर देना साथ के साथ,
और अगर आपको पसंद नहीं आता तो हम आपकी पेमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो आपको भी लगेगा यार ये प्रोडक्ट तो मार्केट के अंदर 40,000 रुपए का मिल रहा है और ऑनलाइन मेरे को 25,000-30,000 का मिल रहा है, तो 10,000-12,000 रुपए का मेरे को फायदा हो रहा है। तो आप भी क्या करोगे, 3,000 जो भी वो अमाउंट बोलेगा, 2,000-3,000 आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। और ट्रांसफर करवाने से पहले वो आपको आधार कार्ड भी भेजेगा, आपको पूरी अपना आईडी प्रूफ भेजेगा कि ये चेक कर लो, ये मेरा आईडी प्रूफ है और इसी नाम पर है। तो आपको लगेगा बंदा जेन्युइन है, अकाउंट डिटेल्स दे देगा या पेटीएम नंबर दे देगा, आप ट्रांसफर कर दोगे। फिर जब जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफर करे तो उसके बाद भूल जाओ, वो आपका फोन भी उठाएगा, या तो वो आपका फोन नहीं उठाएगा, अगर उठाएगा तो आपको 2-3-4 दिन घुमाता रहेगा कि आज निकल, और उसके बाद थक हार के वो फोन वो नंबर को चेंज कर देगा और आप थक जाओगे, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो ये होता है फ्रॉडुलेंट पेमेंट, मतलब पेमेंट कर दी और उसके बाद सामान भी नहीं आया। तो ये स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों के साथ ये स्कैम नहीं हो, ठीक है। तो आपको अगर क्रॉस चेक करना है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो कैसे कैसे किस तरीके के स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर्स टू स्टॉप फ्रॉड एज फॉलोस। कहता है कि क्या क्या मेजर्स होने चाहिए जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके। फर्स्ट इज एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाना है इंडिया से बाहर से, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसए से मंगवाना है या चाइना से मंगवाना है, अब ऑनलाइन आपने मंगवाना है, आपको क्या पता यार जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो कि आपके पास प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में एक कंपनी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेपाल। आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा पेपाल के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ज्यादा चीजें डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक कंपनी आती है पेपाल। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाओ इंडिया से बाहर से और वो बंदा कहता है कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसे, तो आप नहीं करना जब तक आप उस बंदे को नहीं जानते। तो आप उसको यही कहना कि मैं ट्रांसफर करूंगा पेपाल के थ्रू, पेपाल का नंबर मुझे दे दो। अब पेपाल है क्या, पेपाल क्या करता है, जैसे आपने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करे पेपाल पे, तो पेपाल क्या करेगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी पेमेंट को होल्ड कर देगा। मतलब जिसने आपको प्रोडक्ट बेचना है उसके पास वो पेमेंट नहीं जाएगी, पेपाल के पास जाएगी। पेपाल उस बंदे को बताएगा इस बंदे की हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, अब आप इसको गुड्स डिलीवर करो। फिर वो आपको गुड्स डिलीवर करेगा, जैसे ही आपके पास गुड्स पहुंच जाएगा या जो भी आपने प्रोडक्ट मंगवाया वो पहुंच जाएगा, फिर आप पेपाल को कहोगे हाँ मेरे पास ये सामान आ गया है, पेपाल आगे पेमेंट कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता कि पेपाल का रोल क्या हुआ, पेपाल एक इंश्योर करता है कि कोई भी फ्रॉड नहीं हो और जिसने ऑर्डर करा है उसकी पेमेंट भी नहीं मरे और उसको प्रोडक्ट मिल जाए और जिसके पास प्रोडक्ट जा रहा है वो भी पेमेंट करे। तो पेपाल इसके अंदर बीच में एक मीडिएटर है, एज अ मीडिएटर ये कुछ अमाउंट चार्ज कर लेगा कि इतने परसेंट कमीशन चार्ज कर लेगा जिससे कि दोनों साइड वाले बंदे सिक्योर हों। तो ध्यान देना जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगवाओ इंडिया से बाहर से तो कभी भी आप डायरेक्ट उस बंदे के अकाउंट में पेमेंट नहीं डालना जब तक आपको कंफर्म नहीं है वो बंदा जेन्युइन है। आप उसको बोलना पेपाल अकाउंट दे और पेपाल के थ्रू काम करना, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक मैकेनिज्म, एक बॉडी होनी चाहिए जो चेक करेगी, किस चीज को चेक करेगी कि हाँ भाई कि सामान पहुंच गया। तो समझते हैं इसका पॉइंट, आपने पेपर में कैसे लिखना है। अ मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी, एक ऑफिशियल बॉडी होगी, मस्ट एंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ ई कॉमर्स, मतलब वो ई कॉमर्स की सेंसिटिविटी को समझेगा, सेंसिटिविटी ऑफ ई कॉमर्स कंपनी, एंड ऑल्सो इंश्योर, साथ साथ में इंश्योर करेगा दैट गुड्स एंड सर्विसेस मस्ट बी डिलीवर्ड एज प्रॉमिस, जो गुड्स और सर्विसेज जो भी है बात कर रहे हैं वो डिलीवर हुआ है एज पर द प्रॉमिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे फ्रॉड रोका जाए। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फ्रॉड रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वेबसाइट जो होनी चाहिए सारी सिक्योर होनी चाहिए। वेबसाइट्स हमारी क्या होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि ऑनलाइन फ्रॉड में इंफॉर्मेशन भी चोरी की जाती है, तो यहां पर अगर हमारी वेबसाइट जिस पे भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अगर वो सिक्योर है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो दैट इज ई कॉमर्स साइट्स मस्ट टेक स्ट्रांग, उनको स्ट्रांग सिक्योरिटी मैकेनिजम्स लेने चाहिए जो प्रिवेंट करेगा स्टील करने के लिए, मतलब चोरी करने से रोकेगा
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सीवीवी नंबर, पिन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा जो चल रहा है ऑनलाइन के लिए जूम चल रहा है। तो जूम की जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो ना अपना जो डेटा है वो बेच रहा है आगे, थर्ड पार्टीज को बेच रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी को कोई डेटा बेचना भी है, कोई भी वेबसाइट अगर कोई डेटा कलेक्ट करती है और उसने थर्ड थर्ड पार्टी को बेचना है, तो वो क्लियरली मेंशन करेगा कि भाई आपका डेटा हम थर्ड पार्टी को देंगे। तो थर्ड इज देयर मस्ट बी ऑफिशियल गाइडलाइंस, पूरी ऑफिशियल गाइडलाइंस होनी चाहिए। इफ कंपनी वॉन्ट्स टू सेल यूजर डेटा टू थर्ड पार्टी, अगर वो थर्ड पार्टी को डेटा बेचना चाहती है तो पूरी की पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद रखूंगा सही से समझ आया होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपना नंबर किस जगह से हो, कौन सा किस कोर्स के लिए लाइव सेशन चाहिए, हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। फ्री लाइव सेशन होंगे, कुछ होंगे जूम पर, कुछ होंगे हमारे लाइव सेशन यूट्यूब पर। तो अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हो तो आपको लाइव सेशन जूम के मिलेंगे, अगर नहीं जुड़े हुए तो सिर्फ यूट्यूब के मिलेंगे, बाकी चॉइस आपकी है। और गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।